यमुनानगर की जम्मू कश्मीर कॉलोनी में काले कच्चे गिरोह ने दो घरों में घुसकर जमकर लूटपाट की। वारदात को अंजाम देने से पहले काला कच्चा गिरोह के लोगों ने घर में सो रहे लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और बाद में घर का सारा सामान लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर तो पहुंची, परंतु अभी तक उसके हाथ में कोई सुराग नहीं लगा है। घायल परिवार वालों को सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। आप जाग रहे थे उस वक्त? मम्मी ने जब चिंगारे मारी तो मैं उठ गया था। तो क्या कर रहे थे वो, क्या उन्होंने किया था, कैसे थे वो? मुंह पे बहुत हक रखे थे और डंडे ले रखे थे। अच्छा, तो क्या किया फिर उन्होंने? सारे पैसे लेके इनके पैसे लेके भाग गए। आपकी मम्मी को मारा है? हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे चोट लगी है हाथ पे। किस किस को मारा उन्होंने? दो मामा को, मेरी मम्मी को और मेरे को यहाँ पे लगी। आपको भी मारा है? फिर भी मैं तो सुता आया सी। मेरा भरा तो मैं इस कमरे च है, मम्मी तो भैन उस कमरे च सी। मैंने तो होश आया सी, इन्होंने मारिया मुरिया मैं, मेरे भरा ने मैंने उठाया सी, समझ बेहोश से, मैं तो होश आया सी, अपना खून तो लतपत सी मैं। उसके बाद मेरी भैन आई, फिर गली महल वालों लैके कहें इस तरह से वारदात हुई थी। अठ जने से काले कपड़े पाए, काले कच्छे पाए थे, उत्तों नंगे से, तो 2.5 लाख रुपया लै गए लुट कर, एक सैट लै गए सोने का। मेरी सिस्टर लगी है, मेरे छोटे भरा लगे आई सी है दोनों, तो मनु लगे से। ये हमें सूचना मिली थी कि जम्मू कॉलोनी में कोई एक परिवार सोया हुआ था, तो 7-8 आदमी चोरी करने की नीयत से उनके घर में दाखिल हुए, तो जब वो जागे उनको चोटें मार दी हैं। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कच्चे डाले हुए थे, तो हमने केस दर्ज कर लिया और तलाश के लिए पार्टियाँ निकाल दी। कितने लोगों को चोटें मारी हैं? इसमें 2 जेंट्स को और 2 लेडीज़ को चोटें। कितना अंदाजा कुछ लग पाया कि कितनी बड़ी ये लूट थी? इसमें कुछ एक सेट सोने का जेवरात का गया है, कुछ पैसे बता रहे हैं। तो अब जैसा गिरोह बताया जा रहा है, काफ़ी लंबे समय बाद सक्रिय हुआ, तो कोई इसके लिए तलाशी अभियान कुछ? हाँ, इसके लिए हमारी टीमें चली गई हैं, CIA की दोनों टीमें निकल चुकी हैं। यमुनानगर से हलचल टीवी के लिए विनोद धीमान की रिपोर्ट।